सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सारांश एंड यू आर वाचिंग मेंसअप। सो मेंसअप में आपका स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं इस चैनल के बारे में। सो मैं कुछ ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूं और वहां पे डिटेल डिस्क्राइब प्रॉपर तरीके से करता हूं कि आपको कैसे जाना है और हम कैसे कैसे हम गए, क्या क्या डिफिकल्टीज हमें फेस हुई। तो इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है कि 2021 का लॉकडाउन है और इसमें हम घर बैठे हुए, अभी हम कुछ कर नहीं सकते। सो मैंने एक न्यू GoPro Hero 8 ब्लैक लिया है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा। सो ये है GoPro Hero 8। इसकी कॉस्टिंग अगर आप GoPro की साइट पे देखते हो तो इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 32-35,000। जी हाँ। सो ये कैमरा मैंने अपनी आधी किडनी बेच के लिया है। मजाक कर रहा हूँ गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने काफ़ी सेविंग्स करने के बाद लिया है। सेविंग्स लगी, बहुत सारा टाइम लगा इसको लेने में। सो जो भी मेरे चैनल पे पुराने बंदे हैं उनको पता होगा कि मैं काफ़ी सारे पहले भी मोटो व्लॉग्स बना चुका हूँ, लेकिन उसमें जो कैमरा यूज़ करता था वो था शाओमी का Y। सो ये है शाओमी का Y जो कि क्लैरिटी देता है 2.7K। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्लैरिटी है, मतलब अगर आप कैमरा लेना चाह रहे हो मोटो व्लॉग और आप बिगिनर हो सो मैं आपको ये कैमरा रिकमेंड करूँगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है बिगिनर्स के लिए और मतलब इसकी क्लैरिटी काफ़ी महंगे कैमरों से अच्छी है, जैसे नॉइस प्ले आप देख सकते हो उनसे भी अच्छी क्लैरिटी है। और इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था SJCAM जिसकी बहुत ही सड़ी हुई क्लैरिटी है, ये है 1080p। तो इस पे मेरे पैसे वेस्ट हुए, तो अभी मैं जितने भी शॉट करूँगा वो लूँगा अपने GoPro Hero 8 से। तो जो मैंने Xiaomi का Y लिया था उससे भी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि जब मैंने ये कैमरा लिया था Y तो लग गया था लॉकडाउन 2020 में, और अब जो मैंने Hero 8 लिया है तब लग गया है 2021 का लॉकडाउन। मतलब यार जब भी कैमरा लो लॉकडाउन लग जाता है, मैं इसकी ढंग समझ ही नहीं आ रहा क्या चक्कर है। अब Hero 8 लिया तो फिर लॉकडाउन लग गया, अब जाएं भी तो कहाँ जाएं, अब घर बैठे कितनी व्लॉग्स बना लेंगे यार। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी इस कैमरे की, और जो जो स्टैंडर्ड्स GoPro प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक बार चेक हो जाएंगे। तो GoPro कहता है कि इसकी क्लैरिटी आपको DSLR के टक्कर की है, मतलब इसमें ऐसे फीचर हैं जो आपको DSLR भी नहीं दे पाता, तो वही हम चेक करेंगे कि ऐसा सच में है या नहीं है। तो जल्दी से इसको टेस्ट करने चलते हैं बाहर की तरफ, और आज का व्लॉग मैं पूरा अपना GoPro Hero 8 से शूट करूँगा। सो जल्दी से चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइज, मैं अभी आया हूँ अपने टेरेस पे ये वीडियो शूट करने के लिए। सो अभी आप जो क्वालिटी देख रहे हो वो है 2.7K एट 60 FPS, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो, अगर आपको एडिटिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा स्पेस ये खाती भी नहीं है। सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4 बज रहे हैं और मैं बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, तो अगर बाहर जाऊँगा भी तो मेरे को मास्क लगा के रखना पड़ेगा जिससे कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। मेरे हिसाब से अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको एक कनेक्टिविटी बननी चाहिए अपने ऑडियंस से। सो इस वीडियो से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि अगर आप इस कैमरे से व्लॉग कर रहे हो तो कैसी वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से व्लॉगिंग कैमरा ये बेस्ट है या नहीं है ये मैं आपको पोस्ट प्रोडक्शन में ही बताऊँगा, जब मैं एडिटिंग करने बैठूँगा तब मुझे पता लगेगा कि फ्रेम में कितना आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी चेक भी नहीं करा, और इसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं है जिस वजह से आपको दिखेगा नहीं कि आप वीडियो में आ रहे हो नहीं आ रहे। सो अभी आप जो वीडियो देख रहे थे ये GoPro के खुद के कलर ग्रेड हो रखे हैं इसमें। इसमें आपको दो फीचर मिलते हैं, एक GoPro कलर ग्रेड और फ्लैट स्क्रीन। अभी मैंने इसमें GoPro कलर ग्रेड ऑन कर रखा था जिसके वजह से मेरा फेस देख सकते हो काफी ज्यादा ओवर सैचुरेट हो गया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो अगली बार से अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो आप ध्यान रखना इसमें आप हमेशा फ्लैट स्क्रीन पर रिकॉर्ड करो, ताकि बाद में आप इसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट कर सको। सो अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो इसमें जो मोड्स हैं वो अराउंड 4 मोड्स हैं। सबसे पहला है नैरो मोड, लीनियर मोड, वाइड मोड एंड सुपर वाइड मोड। सो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आ रही है नैरो मोड पे। सो ये एक नॉर्मल क्वालिटी होती है, मतलब आप नैरो मोड में जो आप नॉर्मल फ़ोन से व्लॉग करते हो वैसे आपको स्क्रीन क्रॉप साइज़ मिलता है। सो अभी ये नैरो मोड पे, तो आप क्वालिटी देख सकते हो। अभी शिफ्ट करते हैं हम।
सो अभी हमने शिफ्ट कर लिया है नैरो मोड से लीनियर मोड पे। ये नैरो मोड से थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको क्रॉप कम हो रहा होगा और इसमें थोड़ा सा वाइड आपको देखने को मिल रहा होगा। और अभी हम शिफ्ट करते हैं इसके वाइड मोड पे। सो अभी हमने शिफ्ट कर लिया है इसके वाइड मोड पे। अब आप देख सकते हो आपको काफ़ी सारा फ्रेम मिल रहा होगा और काफ़ी सारा आपको पीछे का वाइड देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि इसमें फ्लिप स्क्रीन है या नहीं है, आप कहीं पे भी हो आप आ ही सकते हो। अब यहाँ से देख रहे हो भाई आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से भी आ रहा है ना भाई, यहाँ से भी आ रहा है, तो मतलब कहीं से भी देख सकते हो आप भाई तुम्हारा आ ही जाएगा कैमरे में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं है तो क्या हुआ, इसमें वाइड मोड इतना है कि आप कहीं से भी ले लो और आप देख ही जाओगे। सो अब बारी आती है मेरे फेवरेट मोड पे, ये है सुपर वाइड मोड। इसमें तो आपको सब कुछ ही दिख रहा होगा, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में सब कुछ आ रहा है ना। सो ये इसका मेरे को बेस्ट फीचर लगता है जो GoPro का है कि आपको इतना ज़्यादा वाइड मिलता है। और अगर आप इस कैमरे से मोटो व्लॉग करते हो तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब पूरा रोड कवर हो जाएगा, दोनों लेन्स आपकी प्रॉपर तरीके से कवर होने वाली है। सो मोटो व्लॉगिंग के लिए GoPro बेस्ट है, इससे बेस्ट कैमरा कोई है ही नहीं। तो अभी वापस आ जाते हैं अपने नैरो मोड पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GoPro में ऐसे फीचर हैं जो अभी तक DSLR नहीं दे पाया, ट्रस्ट मी ऐसे बहुत सारे फीचर हैं। क्योंकि अगर आपको DSLR में ऐसा वाइड मोड चाहिए जो इसमें मिलता है तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे लेंस पे। और इसमें इतना छोटा सा कैमरा, जितने का लेंस आएगा उतने का तो ये GoPro ही है पूरा। सो अभी तो एक फ़ीचर की बात हुई है जो DSLR से हमने कंपेयर करा, अब दूसरे फीचर की बात होगी वो है हाइपर स्मूथ, जो कि आपको दिखाता हूँ, जो कि आप मोटो व्लॉग में सबसे बेस्ट है, बहुत ही ख़तरनाक वाला हाइपर स्मूथ मिलने वाला है। और इसकी टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भागो। तो अभी चेक करते हैं कि वीडियो कितनी हिली है और कितनी नहीं हिली, स्टेबलाइजेशन अभी चेक करते हैं, अभी मैं वीडियो चेक करने वाला हूँ फिर आता हूँ। सो गाइज मैंने अभी इसमें देखा हाइपर स्मूथ 2.0, ओए होए मज़ा आ गया वीडियो देख के, तो मतलब इतनी स्टेबलाइजेशन गिम्बल नहीं दे पाता जो अभी इसमें दे रहा है छोटा सा GoPro। तो अभी इसकी टेस्ट करते हैं नैरो मोड से वाइड मोड में कि वाइड मोड में इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो भागो, बस थक गया। सो गाइस स्टेबलाइजेशन के मामले में GoPro ने DSLR को हरा दिया, सो बिग थम्स अप टू GoPro। सो अभी हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो इसका फाइनल FPS एंड फाइनल रेजोल्यूशन। सो GoPro आपको देता है 240 FPS, कैन यू इमेजिन 240 FPS, और आपको रेजोल्यूशन जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है वो है 4K, मतलब और आप 4K में आप मैक्सिमम 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप 1080 में 240 FPS। तो 240 FPS का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी वीडियो को 80% भी स्लो कर देते हो तो आपकी वीडियो में जो क्लैरिटी है वो एक नंबर दिखने वाली है, मतलब क्लैरिटी में आपको कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला। 1080p भी बहुत अच्छा है, और 240 FPS मतलब आप उसको 80% स्लो कर दोगे ना, उसके बाद भी आपकी वीडियो एकदम स्मूथ चलने वाली है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी वीडियो में। सो गाइस अभी हमने इसके कुछ स्लो मोशन के शॉट लिए थे, आपने वीडियो में देखा ही होगा, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा, रफ आइडिया, कि ये स्लो मोशन पे कैसी क्लैरिटी देने वाला है, जो कि मैंने रिकॉर्ड करा था 2.7K एट 120 FPS। अभी मैंने इसको चेक नहीं करा बट लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि GoPro ने अच्छा ही काम करा होगा। सो थम्स अप फॉर स्लो मोशन। सो अब जो हम नेक्स्ट टेस्ट लेने वाले हैं GoPro का, वो है टाइम लैप्स। और मैंने सुना है इसका टाइम लैप्स काफ़ी अच्छा है,
और अभी मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसका बेकार होगा, क्योंकि डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है। अभी हम इसके कुछ टाइम लैप्स शॉट लेंगे और अभी चेक करते हैं जल्दी से टाइम लैप्स। सो गाइस, अभी हम टेस्ट करने वाले हैं GoPro का सबसे ख़तरनाक टेस्ट, जो कि है अंडर वाटर टेस्ट, जो कि GoPro क्लेम करता है अराउंड 10 मीटर तक, मतलब 10 मीटर तक आप GoPro ले जा सकते हो पानी के अंदर, वो भी बिना किसी वाटरप्रूफ केस के। तो वो टेस्ट करेंगे नीचे जाके और आपको जल्दी से टेस्ट करके बताता हूँ कि GoPro का वाटर टेस्ट कैसे होता है। तो ये देख सकते हो कितना सारा सामान लेके आया था मैं आप लोगों के लिए, कितना सारा सामान लेके आया था। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है YouTube के लिए। सो ये रहा हमारा GoPro और अब हम करेंगे इसमें वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट करने के लिए डायरेक्ट डालेंगे हम इसको टैप के अंदर। और ये कैमरा तो बिल्कुल सही सलामत है। सो अभी चलते हैं बाथरूम के अंदर। सो गाइस, अभी हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि आपको व्लॉगिंग के लिए GoPro लेना चाहिए या नहीं। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। सो GoPro की अगर आप रेंज में देख रहे हो तो इस रेंज में एक कैमरा और आता है जो कि बेस्ट है, वो है G7X। वो भी मेरे माइंड में था, लेकिन मेरे पास एक DSLR आ रहा है तो मैंने सोचा कि घर पे वीडियो अगर बनानी है तो मैं उससे बना सकता हूँ, और आउटडोर के लिए GoPro है ही। तो घर पे वीडियो ज़्यादा बनाते हो, जैसे अनबॉक्सिंग वीडियो हो गई, अगर आप घर पे कोई भी वीडियो बनाते हो तो उसके लिए G7X बेस्ट है। लेकिन अगर आप बाहर के लिए वीडियो बनाना चाह रहे हो और बाहर के लिए व्लॉग वगैरह बनाते हो तो उसके लिए बेस्ट है GoPro। सो गाइस, अभी हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपको ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी लगी हो इस वीडियो में, सो आपको बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। सो इस कैमरे को लेने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट करा है GoPro में। सो इसके फीचर्स देखने के बाद बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स और लेके आता रहूँ। सो जल्दी एक ट्रैवल व्लॉग आने वाला है, जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो, मैं ट्रिप पे निकलूँ। और स्टे सेफ, स्टे होम। Yeah.